हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल बनवाल किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे मैंगो जेली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे छिले हुए आम, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, घी 2 चम्मच, शुगर और ब्लैक सॉल्ट। यहाँ मैंने आम को कद्दूकस करके रखा हुआ है। अब एक पैन लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद हम कद्दूकस किए हुए आम को इसमें डालेंगे और इसे 3 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें शुगर सिरप तैयार करेंगे। हमारी आम की क्वांटिटी 400 ग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हमने 300 ग्राम चीनी लेंगे और 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे और शुगर सिरप तैयार करेंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। हमें इसे हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पकाना है। इधर हमारे आम भी रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आम का कितना सही गोल्डन कलर आ चुका है। हमें शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी होगी। अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए आम को ऐड करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। इसे बीच बीच में चलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम शुगर सिरप में अच्छे से पकने लगी है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि आम और चाशनी एक दूसरे में चिपकने ना लगे। अब हमारी जेली तैयार है। अब हम इसमें एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आप 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे हम अब अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी जेली तैयार है। इसे हम किसी भी ब्रेड, रोटी या किसी भी स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।